कहते हैं नारी एक रूप अनेक। दुर्भाग्य से इसी नारी को अलग अलग रूपों में हिंसा का सामना करना पड़ता है। ऐसे मुश्किल दौर में जो उनको भंवर से बाहर निकालता है, अबला से सबला बनाने में सहायता करता है, वो है सखी वन स्टॉप सेंटर। केरल के अरनाकुलम जिले की एलिजाबेथ को भी वन स्टॉप सेंटर से बहुत सहायता मिली। इसके पति का आपराधिक इतिहास था और वो शराब पीकर इससे मारपीट करता था। मेरा अपने पति के साथ दर्दनाक जीवन था। पति शराब पीकर घर आता था और मुझे शारीरिक व मौखिक रूप से प्रताड़ित करता था। उन्होंने कभी भी बच्चों को भोजन, कपड़े, दवाएं आदि जैसी बुनियादी जरूरतें नहीं मुहैया कराई। मैंने उसके बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत की। फिर वहां से मुझे सखी वन स्टॉप सेंटर रेफर किया गया। मैं सरकार और सखी वन स्टॉप सेंटर की आभारी हूं, जिन्होंने मुझे सही रास्ते पर निर्देशित किया। रहने हेतु अस्थायी स्थान, पुलिस, मेडिकल, कानूनी काउंसलिंग जैसी सहायता एक ही स्थान पर तुरंत प्रदान कराती है भारत सरकार की वन स्टॉप सेंटर योजना। जब वो यहाँ आई वो उदास थी। वो अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित थी और निराश थी। उन्होंने आत्महत्या के भी कई प्रयास किए। वो सोच नहीं पा रही थी कि वो आगे क्या करे। आज एलिजाबेथ नौकरी कर रही हैं और अपने बच्चों के साथ एक अलग मकान में रह रही हैं। वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ और खुश हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय से उसे 50,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त हुई। महिलाओं को मिल रही सुरक्षा और राहत, वन स्टॉप सेंटर बन रहे उनकी ताकत। सखी वन स्टॉप सेंटर, हर महिला का सहारा।